महानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में हुई दवा कारोबारी सईद अहमद की मौत और राजघाट थाना क्षेत्र के बनकटी चक निवासी नुसरतुल्ला अहमद वारसी उर्फ अफसर की हत्या की गुत्थी सुलझाने सोमवार को डीआईजी राजेश डी मोदक घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। घटनास्थल का मुआयना करने सबसे पहले डीआईजी राजेश डी मोदक कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी स्वर्गीय सईद अहमद के आवास पर पहुंचे और वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया और विभिन्न पहलुओं की संघनता से जानकारी हासिल की। उसके बाद डीआईजी राजघाट थाना क्षेत्र स्थित नुसरतुल्ला अहमद वारसी उर्फ अफसर के घर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और उनके घर में रहने वाले लोगों से बात भी की, जिससे घटना का खुलासा हो सके। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए डीआईजी राजेश डी मोदक ने कहा, वहाँ पर सभी रोशन गिरा है घर उनका, वो ये उनके मतलब भाई का घर है। इस घर के सहन से अंदर बेडरूम किचन विचन से होते हुए इसका एक रास्ता और है उनका मेन फ्रंट वो, लेकिन क्योंकि पूरी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है और अच्छे से रात में 11 बजे तो मैंने पहले करने के लिए कहा था, आज मैंने विजिट किया है ये देखने के लिए कि मतलब इसमें क्या प्रगति हो रही है। तो जो अधिकारी लोग हैं उनसे भी मैंने समीक्षा की, मौके की भी मैंने जांच की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मौके पे देखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने देख के और इसका फॉलोअप लिया है कि इसमें क्या प्रगति हो रही है, बस यही बात। सर, कोतवाली क्षेत्र में जो है उसकी रिपोर्ट आ गई है? अभी आई नहीं है, जब आएगी तो उसको आपको बताया जाएगा। अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है, हमारे पास हम कुछ इसमें जांचें कर रहे हैं, वो जब आ जाएंगी तब हम बताएंगे।